हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। चैप्टर सेम, क्लास सेम, लेकिन टॉपिक दूसरा। 11th क्लास का बिजनेस स्टडी का चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो उसमें हम टॉपिक आज ले रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन, टाइप्स ऑफ रिस्क एंड नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो आज हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो शॉर्ट में हम करेंगे, अब इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले आता है कि जब भी आप बिजनेस करते हो, जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, आज नहीं तो कल, या आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि बिजनेस की लाइन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सेलेक्ट करते हैं, यानी हम चूज करेंगे सिलेक्शन की बिजनेस की लाइन क्या है। अब बिजनेस की लाइन कैसे डिसाइड करेंगे, आपको कौन सा काम करना है। आपको चाय का काम करना है, आपको समोसे का काम करना है, आपको जलेबी का काम करना है, आपको किसका काम करना है, आपको टीचिंग का काम करना है, आपको एक रिपेयरिंग का काम करना है, आप कौन सा काम करना चाहते हैं, आप कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए नॉलेज। जब तक आपको उस बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी, आप उस नॉलेज नहीं लोगे, तो यू आर नॉट एबल टू सिलेक्ट द लाइन ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हमारे बिजनेस को इफेक्ट क्या करता है, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, यानी हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस की लाइन क्या है, क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव नॉलेज। भैया नॉलेज ले ली, आपको समोसे बनाना आता है, आपको पता है कि मार्केट में उसकी ज्यादा डिमांड है, इस एरिया में इसकी डिमांड ज्यादा है और मुझे इसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है, देन यू विल सेलेक्ट लाइन ऑफ बिजनेस। तो अब आपने भैया अपनी लाइन डिसाइड कर ली कि हम समोसा बनाएंगे, है ना। तो बिजनेस को करने के लिए आप क्या करोगे, लाइन चूज करोगे। अब जरूरी नहीं है समोसा ही बनाओगे आप, यही जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, बड़े बड़े बिजनेस के लिए भी हमें यही काम करते हैं कि सेलेक्ट करना है लाइन ऑफ बिजनेस। देन उसके बाद आता है लोकेशन। भैया समोसे का काम तो डिसाइड कर लिया, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, ये मुझे बनाना भी आता है, है ना, और क्या है कि इसके बारे में मुझे नॉलेज भी है, मार्केट में डिमांड भी होती है, अंकल में समोसा खाया जाता है, लेकिन बनाऊं कहां पर, किस जगह बनाऊं। मान लो आपने ऐसे एरिया बनाया कि ना कोई भी नहीं दिख रहा, वहां पर सन्नाटा है, कोई खरीदने नहीं आएगा, तो इसका ये मतलब है कि भैया आपने बिजनेस तो अच्छा सेलेक्ट किया लेकिन उसकी लोकेशन अच्छी सेलेक्ट नहीं की। तो लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए हम क्या देखेंगे, जहां पर आपको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए और मार्केट में लोग खरीदने के लिए भी आसानी से आ जाए, उनको कोई दिक्कत ना। तो इसलिए दूसरा हमारा स्टेप होता है बिजनेस करने का कि हम कहां स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैंने आप क्या सोच लिया, सेलेक्ट कर लिया बिजनेस लाइन कि मैं एक कोचिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जहां पर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, ठीक है। तो बिजनेस मैंने डिसाइड कर ली लाइन टीचिंग लाइन, देन उसके बाद ये बिजनेस स्टार्ट करा, लेकिन लोकेशन क्या दिया, एक ऐसा एरिया ले लिया जहां पर पूरा सन्नाटा है, फैक्ट्रीज हैं जो कि शाम को 5 या 6 बजे के बाद बंद हो जाती हैं, वहां से कुत्ते बैठे हुए होते हैं रोड पर। अब बताओ कि कौन पढ़ने आएगा, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ने आएगा तो भैया कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे और मेरे से कोई पढ़ने नहीं आएगा, मैं सिर्फ वहां पर मुखिया बनकर बैठा। तो इसलिए ये दूसरा पॉइंट बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए कि हमें लोकेशन डिसाइड करनी है कि लोकेशन क्या होनी चाहिए। फिर बिजनेस के लिए चाहिए भैया पैसा कहाँ से आएगा, मैं इंस्टीट्यूट तो चालू करना चाहता हूँ, मैंने लाइन तो सेलेक्ट कर ली, मैं समोसा तो बनाना चाहता हूँ, लाइन तो सेलेक्ट कर ली, इस एरिया में शुरू करना चाहता हूँ, इस एरिया ये मेरे एरिया जो है वो मेरे लिए सबसे बेहतर है क्योंकि मुझे यहाँ रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा और मार्केट में लोग डिमांड भी करने आ जाएंगे। लेकिन अब बात आती है इस बिजनेस को करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, फ्री में थोड़ी आएगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब का खर्चा क्या है, मुझे चाहिए ना, तो उसके लिए फंड अरेंजमेंट चाहिए, फाइनेंशियल अरेंजमेंट चाहिए। अब मैं पैसा देखूंगा कि इस काम को करने के लिए मुझे कितने पैसों की जरूरत है, और जब मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे इतना पैसा चाहिए तो भैया वो कहाँ से आएगा, या तो वो मेरी पुरानी सेविंग होगी, या फिर मैंने मार्केट से लोन लिया हो, या फिर मैंने बैंक से लोन लिया हो, या मैं अपने रिलेटिव से हाथ जोड़कर मांगूंगा कि भैया थोड़ा सा पैसा दे दो, अपने भाई से, अपनी बहनों से, चाचा से, मामा से, मामी से, नाना से, नानी से उधार मांगने जाऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि भैया कुछ तो उधार दे दो, कुछ तो कर लो। तो मैं अब यहाँ पर ये चीज भी
देखूंगा। तो इसका ये मतलब है फाइनेंशियल अरेंजमेंट, ये भी हमारा डिसीजन का एक पार्ट। देन उसके बाद है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कि अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं बिजनेस तो करने वाला हूं लेकिन ये सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगी या पार्टनरशिप रहेगी या कोई कंपनी रहेगी, क्योंकि तीनों के फायदे भी है और तीनों के नुकसान है, जो कि हम सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में। सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला वही बंदा जिसको लॉस मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन नुकसान क्या है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप में क्या है, थोड़ा सा फंड ज्यादा आ जाएगा लेकिन नुकसान क्या हुई, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। कंपनी में लायबिलिटीज तो क्या है, लिमिटेड है, लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा टेंशन है, इसमें अकेला प्रॉफिट मुझे नहीं मिलेगा। तो हर जगह फायदे भी और नुकसान भी है, तो ये हम अच्छी तरह से सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो आ रहा है कुछ मजा, ठीक है ना, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली सोचते हैं तो बड़ा आसान है, ठीक है। देन उसके बाद आता है साइज ऑफ बिजनेस, भैया बिजनेस कितना बड़ा करूं, लार्ज स्केल पर करूं या छोटे से स्केल पर करूं, किस तरह से बिजनेस करूं, बिग स्मॉल या डिपेंड करता है डिमांड। अब मान लो एक बहुत ऊंचे लेवल पर अगर इंस्टीट्यूट चालू करूंगा तो भैया पैसा भी उतना ही ज्यादा चाहिए, छोटे लेवल पर करूंगा तो छोटा कम पैसा चाहिए, उसी हिसाब से मेरे को क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दिमाग में, फेफड़ों में, गुर्दों में बिठानी पड़ेगी कि क्या क्या चीजें चाहिए। फिर उसके बाद है टैक्स ऑब्लिगेशन, कि भैया हमारे ऊपर टैक्स ऑब्लिगेशन है, नॉलेज हमें पता होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो कौन से वाले काम में ज्यादा टैक्स लेती है गवर्नमेंट, किसमें ज्यादा परेशान करती है हमें और किसमें कम परेशान करती है। वैसे देखा जाए जहाँ ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वही गवर्नमेंट ज्यादा परेशान करेगी, तो भैया ये गवर्नमेंट का भी हक बनता है जो कि हमें देना पड़ेगा, हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो इसके बारे में भी हमें नजर में रखना है, अपना सीए बिठाना है, भैया हमारा जो काम है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, भाई ईमानदारी से अपना टैक्स क्या करना है, देना है, टैक्स चोरी नहीं करनी, इवेशन नहीं करना, ठीक है। अब ये तो बात थी बिजनेस, जब भी आप स्टार्ट करो तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहले लाइन ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरह की लाइन है, फिर कहाँ खोलना है, फिर उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा, देन उसके बाद किस तरह का बिजनेस हमने करना है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या कंपनी है, और उसके बाद साइज ऑफ बिजनेस छोटा या बड़ा, एंड देन उसके बाद टैक्स ऑब्लिगेशन। क्या बिजनेस नहीं खत्म हो गया, नहीं, इतना मेहनत करने के बाद भी एक चीज वहां पर हमेशा बनी रहती है जिसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। रिस्क भैया ऐसा होता है कि ये एलिमेंट ऑफ बिजनेस है जो कि एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का, यानी इसके बिना तो बिजनेस हो ही नहीं सकता, रिस्क के बिना बिजनेस ही नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है। तो बिजनेस क्या है, हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो बिजनेस क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा फैक्टर है जो आपको प्रॉफिट या तो बिल्कुल कम देगा या फिर आपको लॉस देगा, या एक तरीके से कंपनी की एक्टिविटी को किस तरह से फाइनेंशियल गोल को क्या करना है, अचीव करना है, इसकी थ्रेटनिंग है कंपनी के लिए, एक क्या है, चैलेंज है कंपनी के लिए कि लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इसको रिड्यूस तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे हम बचने की बात करें तो हम बच नहीं सकते, रिस्क हमेशा बना रहता है। तो बिजनेस रिस्क जो होता है वो हर एक बिजनेस में होता है, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। इसलिए यहाँ बिजनेस रिस्क के दो पार्ट है, एक होता है स्पेकुलेटिव और एक होता है प्योर। स्पेकुलेटिव क्या होता है, स्पेकुलेटिव होता है ईदर प्रॉफिट और लॉस, या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या आपको लॉस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंस्टीट्यूट रन किया, अब भैया कोचिंग सेंटर रन किया तो ठीक है, मकान मालिक ने मुझे बिल्डिंग दे दी रेंट पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर रहा हूँ, मैंने रिसेप्शन पर, ठीक है ना, एक रिसेप्शन बिठा दी, तो सारे काम मैंने, सारे इन्वेस्टमेंट जो जो चाहिए थी, एसी वेसी सब लगा दिया, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा। अब मान लो मार्केट में अगर कोई पढ़ने ही ना आया है मेरे से, हो सकता है कि मैंने कहा कि भाई आ जाओ, मैंने कोचिंग खोला, तुमने कहा सर शक्ल देखिए अपनी, आप पढ़ा सकते हो, आप तो शक्ल से नहीं लगे कि आप हमें पढ़ा सकते हो, तो मान लो मार्केट में मेरी डिमांड ही नहीं है, मेरे से कोई पढ़ने नहीं आना चाहता, मेरी मार्केट में डिमांड क्या है, जीरो है, तो इसका ये मतलब है भैया कि मुझे लॉस हो रहा है ना, तो ये रिस्क है ना, लॉस भी मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने बोलो भाई का दर 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 लाइन लगे सुने एक माह एक माह एक माह एक माह, ऐसा भी हो सकता है, तो मुझे प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये तो भैया भविष्य है, कोई नहीं बता सकता क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, नो वन कैन टेल यू। तो इसी क्या है, प्रॉफिट या लॉस, इसे हम कहते हैं स्पेकुलेटिव। क्या कहते हैं इसको, स्पेकुलेटिव। और दूसरा क्या है, प्योर। प्योर रिस्क क्या होता है, देखो प्योर रिस्क का मतलब पूरा एकदम
नेट जिसके अंदर प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है, या तो लॉस मिलेगा या लॉस नहीं मिलेगा। अब ये तू कहोगे सर या तो प्रॉफिट का नाम ही नहीं लिया आपने, या तो लॉस मिलेगा या लॉस मिलेगा नहीं। हाँ बिल्कुल सही सुना, इसमें प्रॉफिट की बात होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई, ठीक है ना, तो ये एक ऐसा रिस्क है कि अगर मान लो आग लग जाती है किसी दुकान पर, किसी शॉप पर, और उसमें सारे कुछ जितने भी थे वो जल गए, तो क्या हो गया? लॉस हो गया। और मान लो ऐसा हुआ कि जले ही, ऊपर वाले का शुक्र है कि मान लो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए, आग लग जाए और लेकिन हमारे कुछ को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर नो लॉस नो प्रॉफिट। यानी कभी ऐसा हुआ है कि एक शॉप पर आग लग गई और प्रॉफिट हो गया, अर्थक्वेक आ गया तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट का तो मामला ही नहीं है, देयर इज नो स्कोप ऑफ प्रॉफिट। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्योर प्योर रिस्क का मतलब है देयर इज नो स्कोप ऑफ प्रॉफिट, या तो लॉस होगा या नो लॉस होगा, ठीक है ना। अब बात आती है भैया नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। देखो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क बड़ा आसान है भैया, रिस्क में क्या क्या चीजें आपने पढ़ी। देखो रिस्क के अंदर आपने क्या पढ़ा, एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। जाहिर सी बात है, मैं आपको बार 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 ये समझाने जा रहा हूँ, अपने दिमाग में भी बिठा लो कि एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस यानी जो रिस्क है वो एक बिजनेस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी इसके बिना बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। जो बंदा ये कहे कि मुझे बिना रिस्क के बिजनेस करना है, तो भैया अपना इरादा बदल दो, चुपचाप नौकरी करो, बिजनेस करो। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो यू विल हैव टू टेक अ रिस्क, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और रिस्क क्या होता है, लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है कि अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज क्या होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होगा, यानी ये जो होती है जो बिजनेस रिस्क है वो इसी वजह से तो क्रिएट होती है क्योंकि हमारे भविष्य में हमें नहीं पता कि बिजनेस में क्या बनेगा, प्रॉफिट भी मिल सकता है और लॉस भी मिल सकता है। तीसरा पॉइंट है डिपेंड्स ऑन अपॉन द नेचर, नेचर का नहीं पता भाई, गूगल बाढ़ कुछ भी हो सकता है। तो भैया रिस्क हमेशा इससे बना रहता है, नेचर से, नेचर से बड़ा डर लगता है। इसलिए भगवान को याद करते रहो कि भैया बिजनेस हम कर रहे हैं तो कोई इस तरह की कोई घटना ना हो जैसे कोविड में हुआ कि भैया सबके बिजनेस बड़े बड़े के बिजनेस के ऑर्डर डाउन हो गए, बट दैट विल दैट वाज अ रिस्क। फिर उसके बाद क्या है, प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर द रिस्क। जाहिर सी बात है जो जितना बड़ा रिस्क उठाएगा उसे इतना बड़ा रिवार्ड मिलेगा, भगवान उसको उतना ही ज्यादा देगा जितना ज्यादा वो क्या करेगा, मेहनत करेगा। तो भैया रिस्क जितना ज्यादा उठाएगा उतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क का एक बार जरा बता देना, एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज डिपेंड्स ऑन अपॉन द नेचर एंड प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर द रिस्क, ठीक है ना। तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लीज आप अगर कर सको तो कर लेना। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं तो आप प्लीज लिख कर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा। तो आप प्लीज उसमें क्या करना, डिफरेंस करके बताना इसके बीच में, आप डिफरेंस करना स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क के बीच में, ठीक है ना। और थोड़ा सा मुझे इनके बारे में समझा देना, एक नोट्स बनाकर आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप जरूर कर देना ताकि मैं आपके लिए और आगे फर्दर वीडियोस बनाता रहूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा समझ आए। थैंक यू सो मच।